ये इस तरीके से इसके पार्टिकल्स कैसे हट रहे हैं, तो ये इस तरीके से इसके पार्टिकल बंजारा मार्केट जाती तो मुझे 100 रुपए में आराम से मिल जाता, निकले वो 5 रुपए की मोमबत्ती आती ना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीशो होम डेकोर प्रोडक्ट्स। मैंने रिसेंटली मीशो से कुछ होम डेकोर प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे मुझे बिकॉज वीडियो शूट करने के लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मुझे लग रहा था बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए, तो मैंने ऑर्डर किए थे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी क्या वो यूजफुल है या फिर बस मेरा पैसा वेस्ट हो गया है, और क्या आपको उन्हें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये क्यूट क्यूट से गमलों के साथ। तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर प्लेस किया था, ये 2 का मुझे सेट मिला है जिसपे क्यूट सी बर्ड लगा के इन्होंने दी है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। इसको मैंने ना एक बंजारा मार्केट से स्टैंड खरीदा था, तो उसके ऊपर रखने के लिए ये 2 वास मैंने ऑर्डर किए थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये, तो उस पर ये मेरे बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये 2 का सेट मुझे रिसीव हुआ है। हाँ, तो ये मुझे रिसीव हुए थे 187 रुपीज में 2 पेयर, ठीक है, 2 सेट मुझे रिसीव हुए थे जो कि बहुत प्यारे हैं। और अब इनका जो प्राइस है आर्टिफिशियल फ्लावर का, ये है 189 रुपीज। वैसे ओवरऑल ये बहुत प्यारे हैं, इनमें ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन जो मुझे अभी इनमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो ये जो इन्होंने ये डस्ट पार्ट दिया ना, तो आप देखिए, ठीक है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये ना धीरे धीरे गिरता रहता है, मतलब बार बार पता नहीं क्यों उसमें से ये डस्ट पार्टिकल्स, इसके जो छोटे छोटे इन्होंने ग्रीन ग्रीन या पार्टिकल्स दिए, आधा खाली भी हो चुका है, ये इस वजह से गिरता रहता है जो कि मुझे काफी मतलब थोड़ा इरिटेट करता है। तो देखने में लेकिन ये बहुत सुंदर लगते हैं, मेरे स्टैंड पे मैंने रखती हूँ, तो देखने में मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट मैंने ऑर्डर प्लेस किया था एक लैंप का, बिकॉज मुझे एक लैंप चाहिए था, मैं चाहती अगर तो ये लैंप मुझे बंजारा मार्केट से काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाया बंजारा मार्केट, तो मैंने मीशो से ट्राई किया। तो मीशो से ये लैंप मुझे पैकेजिंग में अच्छी रिसीव हुआ था, लेकिन आप देख लें ये इस तरीके से इसके पार्टिकल्स कैसे हट रहे हैं, तो ये इस तरीके से इसके पार्टिकल्स इसमें से हटते रहते हैं, पता नहीं क्यों। जब ये आया था तब ठीक था, लेकिन मैंने इसको जब यूज किया, आफ्टर यूज इसके पार्टिकल्स हटने शुरू हो गए, शायद ये हीट नहीं ले पा रहा या जो भी इसका इश्यू है, और ये अंदर से ना थोड़ा क्रैक होकर आया था, वीडियो में आ रहा है, आई होप सो वीडियो में दिख रहा हो, तो ये अंदर से थोड़ा ना क्रैक होकर आया था। बल्ब इन्होंने नहीं दिया था, बल्ब इसने मैंने खुद ने अपना बल्ब लगाया है, तो मैं तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पैसा वेस्ट हो गया। एक तो ये मुझे थोड़ा महंगा मिला, अगर मैं बंजारा मार्केट जाती तो ये मुझे 100 रुपए में आराम से मिल जाता, ठीक है। गुड़गांव में बंजारा मार्केट है, अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, तो बंजारा मार्केट में ऐसे होम डेकोर आइटम बहुत सुंदर सुंदर, ये देखिए पूरा हट चुका है, तो ये मुझे एकदम वेस्ट ऑफ मनी लगा। मीशो से तो ये आप ऑर्डर मत कीजिएगा, क्वालिटी एकदम मतलब बर्बाद है। आप शो पीस के लिए रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे यूज कर रहे हो एक बार भी, मतलब मैंने 5 मिनट ही यूज किया होगा और इसका ये हाल हो गया, तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी किसी को कि वो खरीदे। सॉरी मुझे पसीना आ रहा है। हाँ, इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो ये लैंप मुझे मिला था 290 रुपीज में, और अब ये 349 रुपीज में इसको सेल कर रहे हैं, मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको ये खरीदना चाहिए, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, और ऊपर से पैसे भी बढ़ा दिए उन्होंने। नेक्स्ट मैंने बिकॉज मैं योगा काफी करती हूँ, मेरा फील्ड ही योगा का है, जिसको नहीं पता आई एम अ योगा ट्रेनर बाय प्रोफेशन, तो मेडिटेशन मुझे करना पसंद है, तो मुझे ना मेडिटेशन के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी कैंडल्स चाहिए थी, तो मैंने मीशो से ये कैंडल्स का सेट ऑर्डर किया था, सेंटेड कैंडल्स है ये, क्योंकि इनमें से जलाने में खुशबू आती है, तो ये मुझे 6 कैंडल्स रिसीव हुई थी, जिसमें से मैंने एक यूज की है, बट ऊपर मुझे ही पता है बस मैंने कैसे यूज की है, सॉरी, हाँ 6 का सेट था, इन्होंने मुझे 5 ही भेजी। सबसे पहली बात, इन्होंने मतलब भेजी ही नहीं पूरी की पूरी कैंडल्स, ठीक है, 5 भेजी जिसमें से एक मैं यूज कर चुकी हूँ। देखिए कैंडल्स के एक तो जार देखिए, छोटा सा इनका जार आप देख रहे हैं, कितना छोटा जार है, मतलब इसमें क्या ही आएगा, और खुशबू, कोई खुशबू नहीं है इनके अंदर, मतलब ये बस आप स्मेल करोगे हाँ थोड़ा सा आपको आएगा, लेकिन जब आप इन्हें लाइट करेंगे जलाएंगे तो इनकी सारी स्मेल, मतलब एकदम कोई स्मेल ही नहीं है, नॉर्मल जैसे व्हाइट कैंडल्स होती है ना
उसकी तरह फील आता है। तो मुझे मैंने मंगवाई थी कि मेडिटेशन करते वक्त एक प्यारा सा अगर खुशबू प्यारी प्यारी रूम में रहती है तो मेडिटेशन में मन ज्यादा लगता है, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी। तो ये मुझे सैंडलवुड फ्लेवर में, सॉरी फ्लेवर बोल रही हूँ मैं, सैंडलवुड इसका फ्रेग्रेंस में रिसीव हुआ है एक, ये टर्किश वनीला में है, और ये दो और है इसमें, लेमन ग्रास एंड फ्रेंच लेवेंडर। एक मैंने यूज कर लिया है, बट मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों को मीशो से ये कैंडल परचेज बिल्कुल मत करना, पैसा वेस्ट है आपका। मतलब लाइट जलाने के लिए वो 5 रुपए की मोमबत्ती आती है ना, वो लेकर आ जाए, उससे अच्छी तो वो है। कम से कम साइज में तो बड़ी होती है, तो साइज में भी नहीं, बस जार के पैसे इन्होंने लिए। इसका प्राइस, ये मुझे रिसीव हुए थे 197 रुपीज में, अब ये आपको मिलेगी 247 रुपीज में। तो प्राइस इन्होंने बढ़ा दिए हैं, मतलब अब पता नहीं क्यों प्राइस बढ़ा दी, इतने कुछ खास भी नहीं है फिर भी इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। नेक्स्ट है ये डबल साइडेड टेप, बिकॉज मैं रेंटेड अपार्टमेंट पे रहती हूँ, तो रेंटेड अपार्टमेंट में अगर हैं आप तो इस तरीके की जो डबल साइडेड टेप होती है ये रेंट फ्रेंडली होती है, ये मतलब आपकी वॉल खराब नहीं करती है, ऐसा ये दावा करती है। लेकिन ये टेप मैंने यूज की है, मैं आप लोगों के साथ में भी वीडियो एक शेयर कर दूंगी। तो यूज मैंने अपनी पेंटिंग्स को हैंग चिपकाने के लिए की थी, लेकिन मेरा पेंट हटा है। तो अगर ये बोलते हैं कि इस टेप को यूज करने से आपका पेंट नहीं हटेगा, बिल्कुल गलत है। मेरा पेंट हटा है वॉल पे से, और मेरी वॉल थोड़ी खराब भी हो गई है। तो ये डबल साइडेड टेप मैंने ऑर्डर की थी, मैंने यूज इसको किया है, और ये मुझे मिली थी 188 की, और अब ये 187 की। तो ज्यादा इसके प्राइस में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पेंटिंग्स मैंने ऑर्डर की थी, ये 3 का सेट है पेंटिंग्स का, और मुझे ये पेंटिंग्स मिली थी कितने, हाँ 234 रुपीज में मुझे ये पेंटिंग मिली थी, और अभी इनका प्राइस है 232। तो ये पेंटिंग्स मुझे काफी अच्छी लगी, आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने अपने पीछे इसी पीछे ऊपर की तरफ वॉल पे लगाई हुई है पेंटिंग्स। थोड़ा सा मैं अगर कैमरा ऊपर करूंगी तो आपको दिख जाएंगी, ये पेंटिंग्स मैंने तीनों यहाँ लगाई हुई है, तो जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, यूज कर रही हूँ मैं। तो ये मुझे मेरे रूम में एक अलग ही लुक लेकर आ जाते हैं, और एक प्यारी सी आप बेडशीट बिछा दीजिए तो आपका रूम मतलब सुंदर लगता है। अगर आप ये पेंटिंग परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं अमेजोन पे, ये थोड़ी सस्ती है, ठीक है, ये पेंटिंग आपको अमेजोन पे भी मिलेगी, वहां थोड़ी सस्ती है, लेकिन क्वालिटी इन पेंटिंग की मुझे ज्यादा अच्छी लगी। अमेजोन की मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने मीशो वाली पेंटिंग रखी। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। तो ये सब प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे होम डेकोर के आइटम्स कुछ मीशो से, तो मैंने सोचा मुझे आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कुछ मीशो से परचेज करने का। तो ये है, अगर आगे मैं जो जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करूंगी मीशो से या कहीं से भी, तो मैं वो सारे रिव्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको इंटरेस्टेड लगी हो, मजा आया हो इस वीडियो को देखने में, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इन सबके कोड जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी, बिकॉज मीशो पे कोड रिसीव होते हैं और लिंक नहीं होते, तो कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलूंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।